ओके, तो वेलकम टू एवरीवन। आज की हमारी फ्री क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें आज आपको फ्री कॉम्प्लीमेंट्री एडवांस क्लास मिल रही है, जिसका डे वन है टैरो कार्ड्स का। ओके, जिसे सिखाएंगे पूजा मैम, जो कि हमारे रेमेडीज एक्सपर्ट है। और आज मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि आज रात टैरो कार्ड और एंजल कार्ड चार्ज होने वाले हैं, तो जितने भी लोग लेना चाहते हैं फटाफट से मुझे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो विथ डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का दिन और रात बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस, क्योंकि आज हनुमान जयंती और पूनम है, जिस पर आज आप सभी लोगों के कार्ड एनर्जाइज होने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है, अगर एंजल कार्ड्स भी मंगवाना चाहते हो तो वो भी फटाफट से बता दीजिए। आपके पास टाइम कब है? 7 बजे से कार्ड एनर्जाइज होना शुरू हो जाएंगे। हमने बुक किया है। हाँ रितिका मैम, आपका हो गया है। ठीक है, तो आप मुझे पासपोर्ट साइज फोटो शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा ये बता दीजिए, 1 मिनट। हाँ ठीक है, मैं सारी चीजें ना डिटेल शेयर कर देती हूँ, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, हम सभी लोगों के लिए। पूजा मैम वेलकम। ओके सो जय माता दी एवरीवन। ओके आप सब जय लोग माता दी मैम, जय जय माता दी माता मैम, दी जय जय माता माता दी। दी हम सब मैम, लोगों के जय बहुत माता अच्छा दी मैम। लग रहा है। ओके बहुत सारे न्यू फेसेस। ओके एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके मैम थैंक यू। अभी बहुत ही ऑस्पिशियस डे से हम अपने टैरो की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वी हैव डिसाइडेड दैट ऑल दो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम मंडे ओनली, बट हमने डिसाइड किया कि कुछ ऐसे दिन पर इसकी शुरुआत की जाए कि आपको बहुत सारे लोगों अच्छे की उसके ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स मिले। मिले। ठीक है, और जिसमें सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे बजरंग बली की मिले। ओके यहाँ पर आप जितने भी पहले तो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आप लोग को आज कार्ड को एनर्जाइज करना है। ओके कार्ड को एनर्जाइज आप लोग कैसे करेंगे? टेरेस पे रखेंगे आप ले जाकर उसको। ठीक है, टेरेस पे ले जाकर आप कार्ड्स को रखेंगे एंड व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ये आपके कार्ड्स हैं तो बस इस तरीके से ले जाकर कार्ड्स को नहीं रख देना है। एक आपको वहां पर क्लॉथ बिछाना है, कपड़ा रखना है और उसके बाद ना आपको कार्ड्स को इस तरीके से टर्न करना है। जो ये सिंबल्स होंगे ना आपके, ये सारी चीजें होंगी, ये ऊपर की साइड होंगी। ठीक है, नीचे के साइड नहीं, ऊपर के साइड करने के बाद आपको इसको ना इस तरीके से, जैसे हम स्प्रेड करते हैं ना कार्ड्स, तो हम इस तरीके से स्प्रेड करते हैं, आपको ना उस कपड़े पे ऐसे लंबा स्प्रेड करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? इस तरीके से आपको स्प्रेड करना है। फिर आपके पास जितने भी ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल्स हैं वो भी सारी चीजें आप टैरो कार्ड्स के ऊपर रख देंगे। क्लियर, ये चीज हुई क्लियर सबको? और अगर बाय द वे आपके पास और भी दूसरे कार्ड्स हैं तो सेम उसी तरीके से ही इसे एनर्जाइज करना है। मेक श्योर कि एक कैंडल वहां पर बर्न कर देना। बर्न कैसे करना है? वो कैंडल व्हाइट कलर की कैंडल होनी चाहिए और उस कैंडल को वहां पर बर्न कर लेना, या तो फिर कोई एक दिया जला देना। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई सबको? अब 2 घंटे वहां पर आपको मूनलाइट के नीचे इसे चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद वो कार्ड्स को आपको अंदर लेकर आना है। ठीक है, 2-3 घंटे आपने चार्ज किया, कार्ड्स को अंदर लेकर आना है। कौन से कलर का कपड़ा? कोई से भी कलर का कपड़ा, मतलब आप कोशिश करिए कि वो लाइट कलर का हो। ठीक है, आप व्हाइट कलर का कपड़ा ले लीजिए, आप येलो कलर का कपड़ा ले लीजिए, है ना, इस टाइप का कपड़ा। या फिर आपका जो आपने जो क्लॉथ ले रखा है, अगर साफ जगह है, ठीक है, जिसमें आप स्प्रेड करते हैं, तो वो स्प्रेड वाला कपड़ा भी आप वहां पर रख सकते हैं। मेक श्योर उसके नीचे आप कुछ और बिछाते हैं, उसके ऊपर आपने स्प्रेड वाला कपड़ा जिसमें हम स्प्रेड करते हैं फर जो हमने लिया था, वो करने के बाद उसके ऊपर आप कार्ड्स को स्प्रेड कर दें। ठीक है, एंड जिसका भी कैमरा ऑफ है प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर हम फेसेस नहीं देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी लो हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा बूस्टर चाहिए होता है बीच बीच में। ओके एंड अभी इफ हमारी यू नीड टीम आर 2 मिनट में बूस्टर रिमूव फॉर करना स्टार्ट कर देगी, तो फिर प्लीज ऐसा मत कहना कि प्लीज मैम एंटर कर दो, क्योंकि एक बार आप रिमूव हो गए फिर एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है। सी यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत कम है, सिर्फ 35 की स्ट्रेंथ है। यू ऑल नो दैट कि एडवांस क्लास की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो इस चीज का फायदा उठाइए और जितना हो सके नॉलेज ले लीजिए। नाउ
जितने भी आपके क्रिस्टल्स हैं ये सारी चीजें आपके कार्ड्स के ऊपर रखाएंगी, और कैंडल अगर व्हाइट कलर का है तो बर्न कर लीजिएगा, और अगर नहीं है तो वहां पर एक आप दिया लगा के, उसके बाद चार्ज होने के बाद ये सारी चीजें आप घर में लेकर आएंगे। उसके बाद ना कार्ड्स के साइड में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, कार्ड्स के ऊपर नहीं, या नॉर्मल वाटर, ठीक है। और क्रिस्टल्स के ऊपर भी आपको स्प्रिंकल करना है गंगा जल, या फिर आपके पास जो नॉर्मल वाटर है, ठीक है, वो आपने स्प्रिंकल किया। उसके बाद धूप अगरबत्ती लगाया और उसके बाद भगवान के पास रख दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको वहां से निकालना है वो सब सारी चीजें। ऐसे ही सारे पूर्णिमा पे आपको ये प्रोसीजर करना है, ठीक है। कोशिश करिए कि इसी तरीके से आप अपने कार्ड्स को भी चार्ज करिए। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड के साथ, थोड़ा सा भगवान को याद करते हुए, ठीक है। यस कौन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ग्रेटिट्यूड प्रेयर बता पाएगा? पहले तो ये जानेंगे कि हम आज यहाँ पर जो जितने भी लोग आए हैं तो ये अकल्ट वर्ल्ड में क्यों आए हैं, इसका मतलब क्या है, अकल्ट का मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? व्हाट मीन्स ऑफ अकल्ट साइंस, क्यों आए हो आप यहाँ पर, कोई बता सकता है? टैरो कार्ड तो सीखना है, पर टैरो कार्ड को क्या क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल मैजिक जर्नी के लिए। यस, बहुत अच्छे से आंसर दिया मैम ने, स्पिरिचुअल मैजिक जर्नी। पर क्यों? अकल्ट साइंस मतलब कि ये एक साइंस है, कोई मिथ या फिर अंधश्रद्धा या गलत प्रिडिक्शन नहीं है। अगर कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि नहीं इसमें तो कुछ नहीं रखा है, कुछ इतना होता नहीं है, ये वो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे टैरो कार्ड से प्रिडिक्शंस भी होते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी होते हैं, और ये सारी की सारी एक डेप्थ साइंस है जो कि सालों से चली आ रही है। हमारे जो गुरुजी थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये सारी चीजें इनहांस की हुई, ठीक है। तो ज्योतिष का मतलब क्या हुआ? ज्योति प्लस ईश, जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों को पता है, बट मैं आज वापस से सिखाना चाहूंगी। कौन बताना चाहेगा ज्योतिष का मतलब क्या होता है? सीख चुके पर बोलना नहीं है अभी आप लोगों को ना, मैं जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको 100 मतलब कंपलसरी बोलने के लिए बोल दूंगी। अभी आपको टीचर बनना है, मेंटर बनना है, कंपलसरी हो गए, अभी नहीं चलेगा, अभी यू ऑल आर एक्सपर्ट, ओके। तो मैं अभी जबरदस्ती सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद मैं किसी को भी पूछ लूंगी और उनको मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, ओके। चलिए हेतल मैम, मेंटरशिप आज आपकी, बताओ ज्योतिष का मतलब क्या है? अगर खुद आगे नहीं आओगे तो हम धक्का मारेंगे, आपको तो आगे लेकर आएंगे, आप सभी लोगों को। अगर फैमिली में जुड़े एग्जैक्टली हो तो सपोर्ट तो मिलेगा, बट धक्का भी मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। यस मैम, ज्योतिष का यस मतलब जहाँ तक जैसा मुझे पता है मैम वो मैं बताती हूँ, ठीक है। ज्योति मतलब जैसे लाइट होती है, ठीक है, वो परफेक्ट, है। और जो भी, हाँ, जो भी प्लैनेट्स के बारे में हम जो भी स्टडीज करते हैं, मतलब आप समझिए जैसे प्लैनेट्स की जो स्टडी होती है उसको हम ज्योतिष के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके उसके बारे में जितना हम डेप्थ में नॉलेज लेते हैं दैट इज कॉल्ड ज्योतिष। और वो हमारी लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली किस तरह से काम होता है हमारी लाइफ में, वो सब रिप्रेजेंट करते हैं। यस जी, बहुत अच्छे से किया मैम, देखो कितना अच्छे से कॉन्फिडेंस है, कितना अच्छा लगा ना। तो इसी का मतलब है ज्योति मतलब कि एक लाइट, और ईश मतलब कि ईश्वर, तो भगवान का मैसेज, ओके, कि ईश्वर का मैसेज जो आप लोगों तक पहुंचा है उसे कहते हैं ज्योतिष। तो आज इसी वर्ल्ड को हम और अच्छे से समझेंगे एक साइंस के थ्रू। ऑकल्ट मॉडलिटी में बहुत सारी साइंस रहती है, उसमें से एक मॉडलिटी का नाम है टैरो कार्ड। अभी टैरो कार्ड क्यों करना है वो भी सीखेंगे, बट आज बहुत बड़ा दिन है तो आज ग्रेटिट्यूड करना तो बनता है। तो 2 मिनट हम लेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपनी फैमिली को, और फिर इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए, वॉइस आ रही है सभी लोगों को? आ रहे हो? चलो 2 मिनट आई क्लोज कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का दिन दिखाने के लिए थैंक यू अवर पेरेंट्स, कि हमें इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए। थैंक यू अवर सिबलिंग्स, कि हमारी चाइल्डहुड को मेमोरेबल बनाया। थैंक यू अवर पार्टनर्स,
जिन्होंने हमें एक अच्छी लाइफ, रिस्पेक्ट, लव, केयर दिया। थैंक यू हमारे बच्चों को जिसने हमें एक हद्दा दिया। थैंक यू हमारे आसपास के नेचर को जिसने हमें अच्छे से संभाला। थैंक यू उन सभी लोगों को जिसने यहाँ तक आने में हमें सपोर्ट किया। कल के लिए हम बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि कल का दिन हमारी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाएगा। एक अच्छी जर्नी भी शुरू होगा। लोग, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ी जर्नी हम शुरू करने वाले हैं आज से, जिसके लिए हमें एक आशीर्वाद चाहिए। हनुमान जी, राम जी, आज हमें आशीर्वाद दीजिए कि जिस जर्नी को आज हम शुरू करना चाहते हैं उस मुकाम तक अच्छे से पहुंचे। किसी का भी दिल ना दुखाए, किसी के भी साथ गलत ना करे। गलती से भी अगर हमें गलती हो जाए तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। कभी भी किसी के साथ छल नहीं करेंगे। जितना हो सकेगा इस विद्या से ब्लेसिंग्स लेने की ट्राई करेंगे। लाइफ में इम्पैक्ट लाएंगे, लाइफ में मैजिक क्रिएट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैजिक फील हुआ। हाय या ना? ओके। ग्रेटिट्यूड हमने प्रेयर कर ली। व्हाई वी हैव टू लर्न टैरो कार्ड। पूजा मैम, वेलकम। यस मैम, यस मैम। सी डियर फैमिली, देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज टैरो कार्ड को लेकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग ने ना बहुत सारी मोडालिटीज के बारे में सुना है, ठीक है। इवन हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है, हमने पाल्मिस्ट्री के बारे में सुना है, लेकिन टैरो कार्ड्स, यू नो, आजकल तो लोग जो पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, पेंडुलम्स के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना। ये भी एक बहुत अच्छी साइंस है। लेकिन जब हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटली हम 78 कार्ड्स को डिस्कस करते हैं। हम 78 कार्ड्स के बारे में बात करते हैं और सारी बातें ना 78 कार्ड से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। इसके अलावा हमें कुछ और चीजें सोचना ही नहीं है, ना ही कुछ और चीजें बताना है, ठीक है। अगर जब हम एस्ट्रोलॉजी में घुसेंगे तो हमें एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा हमें उसमें समय लगता है। लेकिन जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो इट टोटली हमारे इंट्यूशन पे सारी चीजें बेस्ड रहती है, हमारे नॉलेज पे सारी चीजें बेस्ड रहती है, एंड अगेन हमारी एनर्जीज पर और आगे वाली एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। आगे वाला मतलब कौन? जो हमारा क्लाइंट है। सपोज मैं यहाँ पर हूं और मेरे सामने मेरा कोई क्लाइंट है, टोटली हम उन दोनों की एनर्जी से मिलाएंगे, ठीक है। जिनका भी हम देखेंगे, हम मैं अपनी एनर्जी से कार्ड को मिलाऊंगी, उसके सारे नाम्स और जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है, प्रेजेंट सिटी है, जहां वो रहते हैं, इस तरीके से हम कार्ड्स को उनकी एनर्जी से मिला के हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी चीज कार्ड्स में क्या होती है कि हमें इसमें कोई भी चीज ऐसी डिटेलिंग आपकी नहीं चाहिए कि आपका डेट ऑफ, अगर सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ इसमें नहीं भी पता है ना, तो भी हम उसकी टैरो रीडिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों की टैरो रीडिंग की है जो अबव, देखिए, जो अबव 50 इयर्स के हैं अभी, ठीक है। बहुत लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि उस समय ना इतना चलन नहीं था, उनके फादर मदर को भी नहीं पता था कि इनका डेट ऑफ बर्थ या इनकी टाइमिंग क्या होगी। बस वो ना कुछ इस तरीके से याद करते कि मैं एकादशी के टाइम पर हुआ था, ठीक है, या फिर होली आने वाली थी उस टाइम पर मेरा बर्थ हुआ था, 3 4 दिन बाद मेरा बर्थ हुआ था। तो लोग इस तरीके से याद रखते हैं और इस तरीके से बताते हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में ये चीज पॉसिबल है कि हम उनका कुछ डिटेल निकाल सकें? ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है, और ना ही ये चीज न्यूमरोलॉजी में पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, तो टैरो कार्ड मोडालिटी में ये चीज पॉसिबल है।
बहुत अच्छे आंसर्स मिलते हैं, एंड इवन मैंने क्रिस्टल्स की ब्लेसिंग से बहुत लोगों की लाइफ भी अच्छी कर दी है टैरो रीडिंग के बाद। ठीक है, हाँ ये डिफरेंस आपको समझ में आया? यस, अभी एंजल कार्ड के लिए भी थोड़ा सा बता दो, क्योंकि जो लोग ओके ऑलरेडी टैरो कार्ड कर चुके हैं वो लोग एंजल कार्ड के बारे में भी जानना चाहते हैं। मैम, देखिए जो ऑलरेडी टैरो कार्ड कर चुके हैं ना, उनके लिए एक और अच्छा ऑफर है यहाँ पर। मैं ये इस कोर्स में आप लोग को ना एंजल कार्ड्स भी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, एंजल कार्ड्स कौन से हैं? जो ओरिकल एंजल कार्ड्स होते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ ओरिकल एंजल कार्ड्स। ठीक है, ये इसमें आपको इतनी सारी चीजें क्या मिलेंगी, सिंपल सी चीजें हैं। इसमें आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। गाइडेंस के लिए मैं आपको अच्छे से डिटेलिंग में सारी चीजें बताने वाली हूँ। सपोज आपने किसी के लिए गाइडेंस निकाला एंजल से रिक्वेस्ट करते हुए, ठीक है, और सपोज कार्ड आ जाता है इफ यू बिलीव। ठीक है, इफ यू बिलीव, तो इसकी एक अच्छी खासी मैंने आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार की है, जिसमें इसके बारे में डिटेल्स मैंने लिखे हुए हैं, और ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी, ताकि जब आप किसी के लिए एंजल गाइडेंस निकालेंगे और अगर ये कार्ड निकलता है इफ यू बिलीव, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे, क्या उसमें गाइडेंस भी देंगे? यस, उसमें भी आपको ओरिजिनल डुप्लीकेट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी प्रिडिक्शन तो रहती है पर कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सी, इस तरीके से कार्ड्स होंगे, ये ओरिकल कार्ड है एंजल्स के। ठीक है, अब इसमें हम जब 78 कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो 78 कार्ड्स इनफ होते हैं हमारे किसी भी केस स्टडी को करने के। ठीक है, 78 कार्ड्स हमारे किसी भी केस स्टडी को करने के लिए इनफ होता है। अभी मैं थोड़ी सी डिटेलिंग के बाद जितने भी हमारे जो एक्स स्टूडेंट हैं उन सब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने कार्ड्स को लेकर बैठेंगे हम यहाँ पर, आप लोग की थोड़ी सी स्टडी देखना चाहते हैं, क्योंकि जो मैंने पिछले उसमें आप लोग के साथ जितने भी टीचिंग मेथड्स यूज किए, जितनी भी चीजें आप लोग से शेयर की, तो मैं चाहूंगी कि आपकी तरफ से भी मुझे इस बार कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे मेरे को सेटिस्फेक्शन हो कि यस यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, क्योंकि टैरो कार्ड प्रैक्टिस करना मस्ट है। अगर आप सोचेंगे कि आप बस सीख लिए और बैठे बैठे ये नंबर का खेल है या फिर ये बहुत सिंपल सी चीज है, तो दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग। ठीक है, स्टोरी नरेशन, स्टोरी नरेट करना, ये सारी चीजें आना आपको बहुत जरूरी है, जिसमें जिसने भी अगर 3 मंथ्स टैरो कार्ड रीडिंग में दे दिया वो एक परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर बन जाएगा। मैं प्रैक्टिकल आपके सामने एग्जाम्पल बैठी हूँ। ठीक है, आज से 4-5 साल पहले जब मैंने टैरो रीडिंग की थी, एक भी दिन बिना गैप किए मैंने पूरे टैरो की प्रैक्टिस की थी। ठीक एंड है, सेकेंड चीज की प्रैक्टिस तो खुद को ही करनी पड़ती है। हम यहाँ से जो दे रहे हैं वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसे ना आप कंपलसरी मत समझिए। ओके, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री, बट फिर जितना हम दे रहे हैं आप एक्सपेक्ट करोगे कि उतना ही हम कंटिन्यूटी आपके क्लाइंट की आपको ही प्रैक्टिस कराए, तो वो बहुत गलत होगा। चलिए अभी थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। टैरो कार्ड की हिस्ट्री क्या है? टैरो कार्ड की हिस्ट्री बहुत ही थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री मैं बोलूंगी। ठीक है, सिंपल हिस्ट्री नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री इसलिए है क्योंकि ये बहुत पहले से टैरो कार्ड जो है ये आ चुका था और सेंचुरीज हो चुके हैं इसे आए हुए। ओके, 15 सेंचुरी में टैरो कार्ड, 15 टू 16 सेंचुरी में टैरो कार्ड आ चुका था, और उस टाइम पर जितनी भी मिथ क्रिएट हुए थे टैरो कार्ड्स को लेकर कि इसमें विच पावर है, इसमें चुड़ैल का वास है, ठीक है, विच मीन्स यही होता है, डेविल डेविल एनर्जीज हैं इसमें, तो लोगों ने ना इसका बहुत ही गलत कंसेप्चुअल अपना कंसेप्ट बना लिया, माइंडसेट कर लिया, और क्या किया, टैरो कार्ड से अपने आप को दूर कर दिया है ना। लेकिन किसने इन्वेंट किया है टैरो कार्ड, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है यहाँ पर? ए वेट ने ये कार्ड को क्या किया, इन्वेंट किया। ओके, यहाँ पर एक मैम एक पीडीएफ शेयर करेंगे जिसमें हिस्ट्री लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा क्लास में बताती हूँ। एक सेकेंड।
यस मैम, जो टैरो कार्ड है ना, टैरो कार्ड इंस्पायर्ड बाय अ ब्रिटिश सीक्रेट सोसाइटी, अच्छा ब्रिटिश पहले में। मैम सब लोगों को ये बता दीजिए, नोट एंड पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ये पेड क्लास शुरू हो चुकी है, तो अभी आप लोगों को सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम जब 78 कार्ड्स लर्न करना स्टार्ट करेंगे, इस बार थोड़ा सा मैंने अलग कंसेप्ट निकाला है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग के दिमाग में बहुत जल्दी से चीजें घुस जाएं, है ना। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, उनका रिवीजन होगा, और जो न्यू हैं ठीक है, उनके दिमाग में घुसने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इजिली उस चीज को लर्न कर पाएंगे, है ना। चलिए, मैम बस 2 मिनट दीजिए, हमारी जो टीम है बहुत सारे लोगों को रिमूव कर रही है, 10 लोगों को कर दिया, बाकी के लोग हो रहे हैं। ओके मैम, ओके। ठीक है, प्लीज ऑन योर कैमरास एवरीवन। वो हो रहा है मैम, मीनाक्षी जी को रिमूव कर दिया, स्कैड जी, सेकेंड स्लाइड पर जितने भी लोग दिख रहे हैं, मेघा शर्मा जी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ऐसे ही आ जाओगे। प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करो, हमें पता चलेगा कि आप सिंसियरली सीखने के लिए आए हो। देखिए, टैरो कार्ड का नाम ही सबको पता है ना, राइडर वेट है इस कार्ड का नाम, ठीक है, जो सबसे पुराना कार्ड है। ऐसे तो मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, और 3,000 से भी ज्यादा टैरो डेक होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा हम बिलीव करते हैं कौन से कार्ड पर, जो सबसे पुराना कार्ड हमारा चला आ रहा है टैरो डेक, ठीक है। कौन सा? राइडर वेट। राइडर वेट ही आपको सही तरीके से सारी चीजें बताता है, क्योंकि उसके परफेक्ट कलर्स होते हैं, उसका परफेक्ट सिंबल होता है, एंड एक्चुअल में जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो हमें यही सारी चीजें उसमें देखनी होती है, ठीक है। कलर, सिंबल्स, जो पिक्चर बने हैं, जो जिस ड्रेस में कौन सी चीज कैसी बनी है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। इसीलिए हम यहाँ पर बार बार डुप्लीकेट्स कार्ड और ओरिजिनल कार्ड्स के बारे में बीच बीच में आपको बताते रहते हैं, ठीक है। अभी अब जल्दी स्टार्ट हो रही है, अभी हम डिटेलिंग में जाएंगे, तो जितने भी लोगों के पास नोटबुक एंड पेन नहीं है वो लेकर बैठे, क्योंकि अभी सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। ओके, अभी एक बार में आप नोट डाउन कीजिए, और ये रिकॉर्डिंग उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पेड क्लास में ज्वाइन है। कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो सारी चीजें आपको पेड ग्रुप में आ जाएगी, तो जितने भी लोग पेड ग्रुप में है वो शेयर कर सकते हो। मैम आप रेमेडीज कैसे शेयर करेंगे? यस मैम, मैम रेमेडीज लास्ट में, ओके ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम अगर एक सोसाइटी की बात करें, तो इस सोसाइटी ने यहाँ पे जो ब्रिटिश की एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है, जहां पर ना उसका नाम दिया था हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि ये 1888 में ना ये फाउंडेड हुआ, ठीक है, 1888 में इसे लाया गया, और इसने क्या चीज देखी कि जहां पर भी ये मोडालिटीज चेक की जाती हैं, जहां पर भी आप एस्ट्रोलॉजिकल चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने टैरो कार्ड को भी क्या किया, चलन में लेकर आया, ठीक है। पहले ये टैरो कार्ड क्या हो गया था, इसे हटा दिया गया था एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब इसमें चीजें देखी गई कि इसमें डेविल एनर्जी जैसी कोई चीजें नहीं है, ये सारी की सारी मिथ है, तो इसे 1888 में लागू किया गया, और ये हमारे सामने लाकर रखा गया किसके द्वारा, ए वेट के द्वारा, ठीक है। अब जो राइडर वेट है, आप बोलेंगे कि अगर राइडर, राइडर मैंने आप लोग को पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूं कि जो राइडर है वो एक पब्लिकेशन का नाम है, जहां पर स्मिथ ने, ठीक है, आपने ये स्मिथ का, जो पैमेला स्मिथ थी, उन्होंने ये कार्ड को डिजाइन किया, ठीक है। इसीलिए अगर नाम देखा जाए तो इस टैरो कार्ड का नाम होना चाहिए था राइडर स्मिथ टैरो कार्ड डेक, ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर स्मिथ को एक अलग इंपॉर्टेंस दी गई वेट के द्वारा, कि आपके हर कार्ड में आपका सिग्नेचर होगा, जो कि इस तरीके से सिंबल आपको दिखेगा। देखिए, आपका हर एक कार्ड निकालिए, और हर एक कार्ड में ना, या साइड में आपको एक सिग्नेचर दिखेगा, देखिए, ठीक है, ये स्मिथ का सिग्नेचर है। तो इस तरीके से उन्होंने इंपॉर्टेंस दी स्मिथ को,
और जो पब्लिकेशन का नाम था राइडर, ठीक है, वो राइडर पब्लिकेशन का नाम लगा के और अपना टाइटल लगा के वेट इस कार्ड को इन्वेंट किया। तो इस कार्ड का पूरा नाम क्या हो गया? राइडर वेट टैरो डेक। ठीक है, ये चीज क्लियर बहुत हुई? सारे लोग बता रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो, हमें पीडीएफ चाहिए, हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं इन लोगों को इतना ही बता दूं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लास है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, तो वो पेड ग्रुप में ही आएगी। एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू गिव यू डायरेक्टली, ओके? तो जितने भी लोग स्लो स्लो जितने भी लोग लिख रहे हैं वो लिख ले, और जितने भी लोग हमारे कोर्स में है वो रिकॉर्डिंग से एक बार वापस से रिफर कर ले, ठीक है? या तो फिर कल एक बार ना हम पॉइंट टू पॉइंट वापस से जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी इसमें हम कितने कार्ड्स होते हैं ये देखेंगे। जब हम टैरो की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो टैरो के बारे में हमने बहुत सारी चीजें समझ ली, ठीक है। अब इसमें अगर हम बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे तो ये थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी, तो क्यों ना जो इम्पोर्टेंट हमारे कार्ड्स हैं हम उनकी तरफ ही बढ़े, है ना। जो 78 कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें जो स्ट्रक्चर बना गया वो स्ट्रक्चर मेजर कार्ड्स और माइनर कार्ड्स के बीच में बनाया गया, ठीक है। मेजर कार्ड्स एंड माइनर कार्ड्स, यहाँ पर स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मेजर अरकाना कार्ड्स हैं एंड माइनर अरकाना कार्ड हैं। मेजर अरकाना के टोटल कितने ट्रम्प्स होते हैं, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना के? 0 से 21 तक के, दैट इज अ 22 कार्ड्स। टोटल 22 कार्ड होते हैं एंड 22 कार्ड्स में 0 से 21 तक का नाम दिया गया है मेजर अरकाना को, ठीक है। माइनर अरकाना की तरफ अगर हम जाएं तो यहां पर टोटल 56 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये 56 कार्ड सूट्स में डिवाइड हैं, अगेन 4 सूट्स हैं इसके। पहला है हमारा पेंटिकल, सेकंड है हमारा सोर्ड्स, थर्ड है हमारा वॉन्ड्स एंड फोर्थ है हमारा कप्स। क्लियर हुआ ये चीज? यस ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आप बना के रखिए अपने कॉपी में या जो भी नोटपैड आपने ले रखा है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर भी, और इसके बाद हम डिटेलिंग में भी जा रहे हैं, तो जितने भी लोगों ने नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर ले। और अर्पिता मैम, कार्ड में चार्जिंग करते वक्त जल कैसे छिड़कना है? बीच में कार्ड रखना है और आसपास करना है, कार्ड के ऊपर जल नहीं छिड़कना, ओके? वरना वो खराब हो जाएंगे। थोड़ा सा ही स्प्रिंकल करना, अगर स्प्रिंकल करते भी हो तो ऐसे कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर जल ना गिरे, ओके? चलिए, नाउ सिंपल व्हाट यू हैव टू डू टू कि ये कर दिया सब, आप डाउन। आपको ये चारों सूट्स जो हैं इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। पेंटिकल्स के होते हैं, सोर्ड्स के होते हैं, वॉन्ड्स के होते हैं, कप्स के होते हैं। बस माइनर अरकानास में यही चार चीजें होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक ओके है। अभी सोर्स किसे कहेंगे, वॉन्ट्स किसे कहेंगे, कौन बता सकते हैं? कौन थे पुराने पेज में? फटाफट से कैमरा ऑन कर दे। अश्लेषा मैम आ जाइए मेंटरशिप लेने। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, स्वॉर्ड्स यानी उसमें खास तलवार दिखाई गई हुई है कि जिससे फाइंड आउट हम लोग इजीली कर पाते हैं कि वो स्वॉर्ड्स के कार्ड है। और वॉन्ड्स के कार्ड में जैसे अपनी जो ट्री की ब्रांच होती है उसमें छोटी छोटी जो अंकुरित पत्तियां आती है जिससे ग्रोथ या ऐसा हम लोग जो सिंबल होता है उस तरीके से वो शो किया जाता है कि जो वॉन्ड्स का कार्ड। मैम करेक्ट ना? यस, एकदम यस, करेक्ट मैम, वेरी नाइस। ठीक है, आपने ही पढ़ाया है। देखिए, थैंक थैंक यू मैम। बस मुझे ना इसी तरीके से बीच बीच में आप लोग के साइड से आंसर्स मिलते रहेंगे ना, तो मैं ऐसे ही खुश होती रहूंगी, ठीक है। चलिए, यू। यहाँ अभी तो पर मैम जब पुराने हम स्टूडेंट जो इस बार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ना, वो जुड़ने नहीं यस वाले, वो मेंटरशिप में ही आएंगे अभी डायरेक्टली। बिल्कुल मैम, सारी इस बार चीजें यही लास्ट टाइम पढ़ाएंगे। प्रैक्टिस हो गई है, लास्ट टाइम स्टडी हो गई, इस बार एक एक कार्ड समझाने के लिए मैं जबरदस्ती एक एक को आगे लाने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो रेडी रहिएगा चलिए, फैमिली मेंबर्स, ये मत समझना कि पुराने स्टूडेंट को हमने कॉम्प्लीमेंट्री इस बार स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, नहीं, अभी आप मॉनिटर बनने आ रहे हो, यही समझ कर आना। चलिए,
अब यहाँ पर हम जब सोर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो सोर्ड्स मतलब सबको पता है तलवार होती है ना। मैम तलवार कहाँ क्या चलती स्लाइड स्टार्ट कर दो ताकि और अच्छे से करें। है? यस मैम। तलवार कहाँ पर चलती है? तलवार हवे में चलती है, ठीक है। और जब हवे में तलवार चलती है तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? वो एयर एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वॉन्ड्स की बात करते हैं तो वॉन्ड्स के जो कार्ड्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? ऐसे डंडी लगी होती है, ठीक है, ओलिव ट्री, एंड उसमें ओलिव स्लीव होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है। और आप जब लकड़ी में आग किस पे लगाते हो? आप लकड़ी से ही आग लगाते हो ना, तो लकड़ी कौन सा एलिमेंट हो जाएगा आपका? वॉन्ड्स कौन सा एलिमेंट हो जाएगा आपका? फायर, ठीक है, ये फायर एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद पेंटिकल्स, पेंटिकल्स अगर हम देखें तो वो स्टार शेप का होता है। जो मेरे कैंडल मैजिक के स्टूडेंट है वो भी इस चीज को जानते होंगे बहुत अच्छे से, कि हम सारे स्पेल्स में कुछ ऐसी चीज रखते हैं वहां पर, ठीक है, जिसमें पेंटिकल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो पेंटिकल स्टार शेप का होगा और इस तरीके से वो कवर अप होगा, है ना। चलिए मैं अपना सेलेनाइट प्लेट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्टार है, ये पेंटिकल मैम दिखाना शुरू करो। है। यस यस मैम। अब यहाँ पर एक और जो कप एलिमेंट बच गया है वो है पानी का एलिमेंट, ठीक है। सबको समझ में आया? सारे पार्ट्स में, फोर पार्ट्स है ना, 56 कार्ड्स, सारे पार्ट्स में 14 14 14 14 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ओनली 14 14 14 14 कार्ड्स। पेंटिकल्स में 14 कार्ड्स होगा, सोर्ड्स में 14 कार्ड्स होगा, वॉन्ड्स में 14 कार्ड्स होगा, कप्स में 14 कार्ड्स होगा। ये चीज क्लियर हुई सबको? ठीक है, चलिए। मैम एक मिनट ना, मुझे पेंटिकल्स का माइनर अरकाना जो हमारा कार्ड है उसके पिक्चर्स दिखा देंगे। पेंटिकल्स माइनर स्टार्ट कार्ड स्टार्ट से नहीं करना मैम। नहीं मैम, पेंटिकल्स के 14 कार्ड्स। यस करेक्ट, ठीक है। देखिए यहां पर ना आपको पेंटिकल्स के 14 कार्ड्स मैं बताना चाहूंगी, और सेम इसी तरीके से ही सारे कार्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पेंटिकल का कार्ड्स आपको दिख रहा है वो ऊपर 65 डाला हुआ है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कार्ड्स की नंबरिंग है जो हमने आपके लिए इजी बनाई है कि आप ऊपर देखें और आपको पता चल जाए कि ये इतने कार्ड्स होते हैं, है ना। नीचे से आप देखेंगे एस ऑफ पेंटिकल, ये आपका नंबर वन कार्ड होता है पेंटिकल्स में, ठीक है। जैसे 14 कार्ड्स में ये नंबर वन कार्ड हुआ। नंबर टू कार्ड, ऊपर टू लिखा हुआ है जिसमें दो जगलिंग टाइप्स के पेंटिकल्स दिख रहे हैं, ये टू ऑफ पेंटिकल्स है। उसके बाद थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जहां जहां देखते जाइए तीन तीन स्टार बने हैं, ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स हो गया। यहाँ पर फोर स्टार बने हुए हैं, फोर स्टार मतलब फोर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर फाइव स्टार्स बने हैं, इट मीन्स फाइव ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद सिक्स स्टार्स बने हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सेवन स्टार्स बने हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देन मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन एट स्टार बने हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स। नाइन स्टार्स बने हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहां पर आप देखेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पर 10 स्टार बने हुए हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक बच्चे जैसा आदमी वहां पर दिख रहा होगा आपको, एक बच्चे जैसा है वो, ठीक है, हाथ में एक एक पेंटिकल लेकर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड में आप देखेंगे एक हॉर्स दिख रहा है जो कि अपने हाथ में पेंटिकल लेके रखा हुआ है, दैट इज अ नाइट ऑफ पेंटिकल, ये नंबर 12th कार्ड हुआ। उसके बाद 13th कार्ड आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड 14th कार्ड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज समझ में आई सबको? 14 कार्ड इस तरीके से बटे होते हैं, क्लियर हुआ? ठीक है, हम शुरू से जाएंगे। अभी हम शुरू से जाएंगे, ठीक है। अभी माइनर कार्ड में मैं आपको समझा रही थी, माइनर कार्ड्स में जब हम पेंटिकल्स देखते हैं, मैम जस्ट अ सेकेंड, माइनर कार्ड्स में जब हम पेंटिकल्स का कार्ड देखें तो हमने 14 कार्ड्स देखे। ऐसे ही जब हम वॉन्ड्स का कार्ड देखेंगे तो उसमें भी 14 कार्ड्स आएंगे, और अगेन वो एस ऑफ
वॉन्ड से स्टार्ट होकर किंग ऑफ वॉन्ड्स तक जाएगा, जिस तरीके से अभी हमने देखा। क्लियर हुआ ये चीज? कार्ड्स तो ऐसे ही डिवाइड हो जाएंगे, 56 कार्ड्स तो ऐसे ही डिवाइड हो जाएंगे। अब हम आते हैं हमारे मेजर अरकानास कार्ड में। मेजर अरकानास कार्ड क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा मेजर अरकानास कार्ड क्या होते हैं? पुरानी बैच से कोई बताना चाहेगा? और कौन है पुराने बैच से? कौन बताना चाहेगा मेजर कार्ड के बारे में? कौन सिखाना चाहेगा? यस हेतल मैम, दीपिका मैम, इसके बाद आपकी टर्न। यस मैम, मैम हाँ, मेजर अरकाना कार्ड्स जो होंगे उसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह पे लिखा होगा। जैसे यहाँ पे नीचे क्वीन ऑफ कप्स लिखा है और ऊपर कोई नंबर नहीं है, लेकिन मेजर कार्ड्स होंगे उसमें ऊपर नंबरिंग भी होगा और नीचे रिटर्न भी होगा। जैसे ये सारे कार्ड्स हैं वो मेजर अरकाना कार्ड्स। मेजर अरकाना क्या शो करता है हेतल मैम? मेजर अरकाना मैम जो भी सिचुएशन लंबी चलने वाली होती है ना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वो बंदा कैसा है वो हमें एक्सप्रेस करता है। वो जिस सिचुएशन होगी ना उनकी वो दिखाता है। माइनर अरकाना जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है। मेजर अरकाना कार्ड जो होते हैं, आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मेजर अरकाना कार्ड में हमेशा आपको ऊपर एक नंबर मिलेगा और नीचे उसका नाम मिलेगा। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि ये मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है। माइनर अरकाना कार्ड में आप ये चीज देखेंगे, या तो ऊपर नंबर है तो नीचे नाम नहीं होगा, या तो नीचे नाम है ऊपर नंबर नहीं होगा। दोनों में से ना कोई एक चीज मिसिंग होगी। क्लियर हुआ ये माइनर और मेजर के बीच में डिफरेंस? एक डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस जो इसका आएगा, नेक्स्ट डिफरेंस में हम देखेंगे जो मेजर कार्ड्स होते हैं ये हमारे लॉन्ग टर्म की कोई चीजें होती है उसको शो करते हैं, ठीक है। अगर हमारे लाइफ में कोई चीज ऐसे होने वाली है जो लॉन्ग टर्म के लिए आने वाली है, उसमें आपके मेजर कार्ड्स को शो करेंगे, ठीक है। और कोई माइनर कार्ड आता है अगर कोई भी चीज में, कोई भी सिचुएशन में, तो वो सिचुएशन बहुत थोड़े टाइम के लिए रहने वाली है, उसके बाद वो चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। टैरो कार्ड मैं आपको शुरू से ही बताते आ रही हूँ, टैरो कार्ड इट्स टोटली डिपेंड ऑन एनर्जीज, ये हमेशा हमारी एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। माइनर कार्ड्स की एनर्जीज कैसी होती है? हर 3 मंथ्स में आपको चेंज मिलेंगी, ठीक है। हर 3 मंथ्स में माइनर कार्ड की एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आप मेजर कार्ड निकालते हैं और अगर बार बार आपके कोई भी क्वेश्चन में मेजर कार्ड आता है, तो सपोज आप यही मान के चलेंगे कि यस यही होने वाला है। जो फर्स्ट टाइम आपने कार्ड पिक कर लिया, मतलब दैट इज अ करेक्ट कार्ड, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई सबको? चलिए अब यहाँ पर जो मेजर कार्ड्स हैं हम उससे स्टार्ट करते हैं। जितने लोग भी यहाँ पर नोटपैड लेकर बैठे हैं, सबसे पहले कार्ड से लिखना स्टार्ट करेंगे, ऊपर एक हेडिंग डालेंगे मेजर अरकानास कार्ड, ठीक है। मेजर अरकानास कार्ड, मैम आज क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों के हैं, तो मेजर से स्टॉप कीजिएगा क्योंकि उन लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो भी हम क्लियर करेंगे ताकि वो लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। ओके मैम, बिल्कुल है। मेजर समझते हैं पहले थोड़ा सा। जो मेजर कार्ड्स हैं यहाँ पर, मैम स्लाइड नहीं दिख रही है। यस यस ओके। पहले नंबर का जो कार्ड होगा मेजर कार्ड, ठीक है, मेजर अरकानास का जो फर्स्ट नंबर कार्ड होता है वो होता है द फूल का कार्ड, जिसमें ऊपर 0 लिखा होता है, लेकिन है ये नंबर 1 कार्ड, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि ये 0 से 21 तक जाएगा, ठीक है। तो आप एक ऊपर में हेडिंग लिख लिए मेजर अरकानास के, उसके बाद आपने लिखा है द फूल कार्ड, दैट इज अ 0 कार्ड।
देन नंबर वन कार्ड जो होगा आपका मेजर अरकाना में, द मजिशियन कार्ड, याद करिए इसको, ठीक है, द मजिशियन। देन द सेकेंड कार्ड होगा द हाई प्रेस्टेज, ठीक है, हाई प्रेस्टेज, देखते जाइए स्क्रीन में सबकी फोटो लगी हुई है। देन द फोर्थ कार्ड जिसके ऊपर नंबर 3 लिखा हुआ है, वो चौथे नंबर का कार्ड है, द एम्प्रेस। देन द फिफ्थ वन इज द एम्परर, एम्परर कार्ड। देन सिक्स्थ वन, ठीक है, एम्प्रेस 4 है, 5 नंबर पे द एम्परर है, 6 नंबर पे द हेरोफेंट है, 7th नंबर पे द लवर्स कार्ड है, 8th नंबर पे द चैरियट है, ठीक है, ये सबके पिक्चर्स बने हुए हैं यहाँ सामने। 8 कार्ड्स हो गए, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। 9th कार्ड, प्लीज, नाइन्थ कार्ड, नाइन्थ कार्ड आपका है स्ट्रेंथ का कार्ड, एंड 10th कार्ड आपका है द हर्मिट, ठीक है, ये 10 कार्ड याद हुए। 11th नंबर का जो आपका कार्ड होगा विल ऑफ फॉर्च्यून, 12th नंबर का जो कार्ड होगा आपका, यहाँ पर इसका नाम नहीं है, ठीक है, चलिए 12th नंबर का कार्ड कौन सा है, कौन बताएगा, ये सही कार्ड जज है, कौन बताएगा, जज यस, जस्टिस ठीक है, जस्टिस का कार्ड बोलते हैं इसको। देन जो हमारा 13th नंबर का, मैम स्लाइड दिखाएंगे प्लीज, थर्टीन नंबर का द हैंग्ड मैन, 14th नंबर का कार्ड डेथ कार्ड, देन 15th नंबर का कार्ड टेम्परेंस, देन 16th नंबर कार्ड द डेविल, देन 17th नंबर कार्ड, मैम स्लाइड चेंज करेंगे प्लीज, 17th नंबर कार्ड जो होगा हमारा डेविल के बाद द टावर, यस, देन 18th नंबर कार्ड द स्टार, ठीक है, ध्यान से पिक्चर्स को देखते जाइए, मैं पिक्चर्स को दिखाने के लिए आपको इस तरीके से बता रही हूँ, ठीक है, टावर कार्ड जो आपको है वो दिखना चाहिए कि वो पूरा ब्लैक कलर का है और इस तरीके से दो आदमी उसमें से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। 18th नंबर का जो कार्ड आया है द स्टार कार्ड है, और उसमें एक पर्सन है, ठीक है, एक लेडी है, और उसके आसपास पूरे स्टार्स बने हुए हैं। देन द 19th कार्ड आपका मून का कार्ड होगा, जहां पर मून आपको रोता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऐसे सन जैसा दिख रहा है, लेकिन वहां पर एक फेस जो है वो रोती हुई दिख रही है ना, वहां पर आपको डॉग्स दिख रहे हैं, बिच्छू दिख रहा है, ये द मून कार्ड है। 20th कार्ड जो होगा वो सन का कार्ड है, जहां पर सूर्य दिख रहा है, घोड़े पर एक बच्चा बैठा दिख रहा है, ये सब मेजर अरकानास कार्ड है, ठीक है। उसके बाद जजमेंट कार्ड जो है आपका, उसमें ऊपर एक एंजल बनी हुई दिख रही है, और नीचे सारे फैमिलीज जिसको हम बोल सकते हैं, वो फैमिली ऐसे हाथ फैलाए हुए जस्टिस मांग रही है ना, जजमेंट कार्ड जिसको हम बोलते हैं, ये है आपका 21 नंबर कार्ड, एंड 22 नंबर कार्ड दैट इज अ लास्ट मेजर अरकाना, वो है हमारा द वर्ल्ड कार्ड। मेजर अरकाना सबको याद हुए, याद आए, जिनको ऑलरेडी आते हैं उन्होंने रिवीजन किया दिमाग में कि 0 से 21 तक ने आपने कितने कार्ड्स लर्न किए, ठीक है, सारी पिक्चर्स के साथ ना आपको सबके नाम दिमाग में बैठ जाने चाहिए, पिक्चर्स के साथ। मैं जैसे ही अगर आपसे पूछूंगी कि द टावर कार्ड में क्या था, तो आपको पता चलना चाहिए कि मैम वो पूरा ब्लैकिश कार्ड है और एक टावर जैसी चीज बनी हुई है, वहां से फायर निकल रहा है और दो लोग गिरते हुए दिख रहे हैं उस कार्ड में, तुरंत दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए, बिना कार्ड देखे, बिना आपके कार्ड सामने।
ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको जजमेंट कार्ड कैसे पता करना है, आप जजमेंट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? यस मैम, मुझे पता है जजमेंट कार्ड में ऊपर एक एंजल जैसी है और एक फ्लैग है जिसमें एक क्रॉस बना हुआ है, और नीचे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से हाथ फैलाए हुए हैं। एम आई करेक्ट? इस तरीके और से दूसरी हमको, चीज कि जब भी हम कार्ड पढ़ेंगे आपके पास हार्ड कॉपी होने चाहिए, मतलब कि कार्ड हाथ में होने चाहिए, इट्स अ कंपल्सरी। ओके, क्लियर एवरीवन? मैम आज कौन सी रेमेडी शेयर करेंगे हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ? मैम एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ। आज के दिन अगर ये कोई उपाय कर लेता है तो लोन रिमूवल की रेमेडी होगी, ठीक है। हनुमान जयंती में स्पेशली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और मैं अगर देखूँ तो हमने देखा है, मेरी बहुत सारी एनालिसिस मैंने की है कि सबसे ज्यादा, यस मैम, सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर लोन चढ़ता है एंड लोन पे लोन चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं राहु उनका खराब होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बेस्ट रेमेडी सीखेंगे, पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा। अच्छा ये बताए कि आज जितने भी लोग जुड़े हमारे साथ, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया, लग रहा है कि ये जर्नी हम सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और अपना फ्यूचर क्रिएट कर पाएंगे। आज अगर हमने कॉम्प्लीमेंट्री आपको क्लास दी है तो आपको थोड़ा भी ये हुआ, रितिका मैम आप ऑलरेडी ज्वाइंट हो गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, प्लीज वन रेमेडी जॉब। हाँ सारी चीजें अपना क्लास में सीखेंगे, सो डोंट टू वरी। ओके, कितने लोग हैं जो अब चाहते हैं कि नहीं अभी हमें टैरो में इंटरेस्ट है और अब हम इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे कंटिन्यूटी करना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो टैरो में ज्वाइंट होना चाहते हैं? अंजलि जी है, और ओके चैट में भी लिख सकते हो और हैंड रेज भी कर सकते हो, इमोजी वाला हैंड रेज कर दो। रितिका मैम ऑलरेडी ज्वाइंट हो चुके हैं, लीना मैम, ओके ठीक है, तो 2 मिनट मुझे दीजिए। इस पेड क्लास में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं आपको एक बार से बता दे, फिर पूजा मैम जो है आपको रेमेडीज बताएंगे, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पर 5-in-1 प्रोफेशनल टैरो कार्ड कोर्स आप लोग के सामने है, ठीक है, जिसमें हम राइडर वेट कार्ड को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जो कि हमारे पूरे 78 कार्ड्स हैं। वैदिक तरीके से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें प्रिडिक्ट करते हैं हम कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक हैं, आप किनको कौन सी रेमेडीज दे सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें कवर अप होंगी, ठीक है। और इवन एडवाइस कार्ड जो आपका एंजल कार्ड है वो भी रहेगा। बेसिक न्यूमरोलॉजी रहेगी जिसमें आप नंबर के थ्रू भी आप बेसिक मतलब हम निकालते हैं ना BN एंड DN, बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, ये चीज भी आप निकाल के आगे वाले के बारे में अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इवन आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू उनको रेमेडीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पर हम बहुत सारे स्प्रेड सीखेंगे जिसमें 3 कार्ड स्प्रेड रहेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड्स रहेंगे, हेल्थ से रिलेटेड स्प्रेड्स रहेंगे, यस नो स्प्रेड्स रहेंगे एंड कस्टमाइज्ड स्प्रेड्स भी रहेंगे, ठीक है। कस्टमाइज्ड स्प्रेड्स का मतलब मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस एंड करियर से रिलेटेड स्प्रेड्स कैसे करते हैं, देन हॉर्स शो स्प्रेड्स कैसे करते हैं, ईयरली स्प्रेड कैसे करते हैं। देखिए ईयरली स्प्रेड को आप ना कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, एंड इवन एक टेक्निक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। एंड करेंट फिलिंग स्प्रेड कैसे देखना है आपको, ओके। देन हाउ टू रीड टैरो फॉर लव रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के लिए आप टैरो रीडिंग कैसे कर सकते हैं, मैरिज के लिए कैसे कर सकते हैं, देन अगर ब्रेकअप्स है किसी का तो ब्रेकअप के लिए आप कैसे देखेंगे, है ना। उसके बाद करियर, हेल्थ, सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलेगी। लॉस्ट ऑब्जेक्ट आप अपने घर में कैसे ढूंढ सकते हैं टैरो कार्ड से, ये चीजें भी हम पता करेंगे, ठीक है, डायरेक्शंस प्रिडिक्शन करके। एंड देन क्लेंस कैसे करना है टैरो डेक को,
टैरो डेक क्लेंस करने का एक अलग ही तरीका होता है, ठीक है। इसमें हम कैंडल से इस चीज को क्लेंस करते हैं और काफी अच्छी एनर्जी इसमें क्रिएट होती है। अगर कोई हमारे पुराने स्टूडेंट है उनसे मैं एक बार पूछना चाहूंगी, ठीक है, क्लास थोड़े 5 मिनट के बाद, कि आपने क्लेंस किया तो आपको क्या रिजल्ट मिले, है ना। चलिए, ये सारी चीजें यहाँ पर है ही, और बोनसेस में यहाँ पर एंजल कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में ब्लैक मैजिक रीडिंग आप कैसे करेंगे कार्ड से ये भी आपको पता चलेगा, और उसका रिमूवल भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं ब्लैक मैजिक। देन नेक्स्ट, मैजिक ब्लैक मैजिक रीडिंग में हम देखेंगे कि ब्लैक मैजिक केसेस को कैसे रीड करना है एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल कैसे करना है, फिर उसके बाद अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, एंड रेमेडी बताऊंगी ब्लैक मैजिक के लिए, एंड ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करना है इसकी टेक्निक भी आपको पता चलेगी। उसके बाद जब आप रीडिंग करते हैं तो अपने आप को किस तरीके से आप प्रोटेक्ट रखेंगे, कौन कौन सी चीजें आपके टेबल पर होनी चाहिए वाइल रीडिंग, ये सारी चीजें होंगी ताकि आपके पास कोई भी नेगेटिविटी ना कैच हो सके। टैरो की रेमेडीज रहेंगी पावरफुल, कौन से कार्ड्स आप कौन से समय पर किसको दे सकते हैं टैरो कार्ड, ठीक है, वो चीज। कनेक्शन कैसे करेंगे हम सुप्रीम के साथ, ये चीज रहेगा यहाँ पर। मेडिटेशन का एक तरीका होता है, ठीक है, और हमारे इष्ट देवता के साथ हम कैसे कनेक्ट होंगे टैरो कार्ड रीडिंग में, ये सारी प्रोसीजर रहेंगी, है ना। उसके बाद अट्यूनमेंट होगा जो मैं आप लोगों को दूंगी, कैसे अट्यून करना है क्या करना है ये मेरा काम है, ठीक है। अट्यूनमेंट प्रोसीजर रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है, गुरु एंड शिष्य का जो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होता है ये चीज रहेगी, जिससे आपको बहुत सारी एनर्जीज मिलती हैं टैरो रीडिंग के लिए। एंड कॉर्ड कटिंग बहुत ही इजी तरीका होता है कॉर्ड कटिंग का, लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और कुछ लोग इसे गलत तरीके से सिखा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लॉस होती है, तो ये टेक्निक भी हम यहाँ पर देखेंगे। शेडो रीडिंग टेक्निक होगी, देन टाइम प्रेडिक्शन एंड लाइफ कार्ड्स कैसे हम देखेंगे ये चीज है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आपको इंटरैक्टिव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी 1 ईयर की, पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, हमेशा एक्सेस मिलेगा उसका, मेंटर सपोर्ट रहेगा, एंड एज रिटन ओवर हियर कि आज से हमारी पेड क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और 5 to 6:30 इसका टाइम रहेगा। एंड कोर्स फी अगेन 12,000, नो, सिर्फ 6,666 में ये आपके सारे कोर्सेस आपको मिल रहे हैं। एंड इंस्टेंट बुकिंग, अभी भी ये बुकिंग चालू है, आज जो भी ये बुकिंग करवाता है उनको हमारी तरफ से एक यंत्र कस्टमाइज किया हुआ मिलेगा, जो आप अपने बच्चों के लिए या अपने लिए स्टडी के दौरान रख सकते हैं। वो आपके डेट ऑफ बर्थ से गुरु का यंत्र होगा जो मैं आपको वर्ड फाइल पर दूंगी, ठीक है, जिसे आपको भोजपत्र पर कैसे बनाना है वो मैं सिखाऊंगी। ओके, तो क्लास शुरू हो चुकी है। 3333 उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 मई को आपको पे करनी है। ठीक है, जो भी स्क्रीनशॉट होगा वो आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हो, और किसी भी तरह की मिसबिहेविंग नहीं चलेगी मेंटर के साथ या ग्रुप मेंबर्स के साथ। अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उनको ग्रुप से भी रिमूव किया जाएगा और कोई भी फैसिलिटीज या रिफंड नहीं मिल पाएगा। ओके, और जो भी राइडर वेट कार्ड या एंजल कार्ड लेना चाहता है फुल ऑफ एनर्जाइज वो हमें बता सकता है। देखो, ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट में डिफरेंट रहता है। डुप्लीकेट में ना कलर वेरिएशन सबसे ज्यादा आता है और आपकी प्रेडिक्शन सही से नहीं जाती, वो फील ही नहीं आता, वो कलर ही डिफरेंस हो जाता है। वो देखो, आप नीचे देखो, पूरे फेस से डिफरेंट हो गए। ओके, तो रिक्वेस्ट आप सभी लोगों की जितने भी आपके पास कार्ड्स है वो एक बार से चेक कर लीजिए। एक कॉम्बो पैक बनाया हुआ आप लोगों के लिए, जिसमें आपको टैरो कार्ड तो मिलेगा ही, एंजल कार्ड भी मिलेगा, राइडर वेट भी मिलेगा, 7 चक्रा विथ लावा क्रिस्टल ब्रेसलेट मिलेगा, एनर्जाइज किया हुआ और क्लियर क्वार्ट्ज का तंबल मिलेगा, जिसकी फुल पैकेजेस प्राइस रहेगी 2499। ओके, तो अभी बताइए कि कितने लोग हैं कि नहीं चाहते हैं कि नहीं हमें अभी आगे बढ़ना है इस जर्नी में। ओके, तो जो भी ज्वाइंट करना चाहे वो हमें बता सकता है। बाकी की सारी डिटेलिंग, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सारी चीजें आपको पेड ग्रुप में मिलती रहेंगी।
ओके okay, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको डे बाय डे डेली लिंक आ जाएगी। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? चलिए देखिए, टैरो मोडालिटी एक ऐसी है ना, टैरो कार्ड रीडिंग मोडालिटी में अगर आप आते हैं ना, तो ये अगर आपने जहां पर रीडिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, आपने एक बार क्लाइंट का विश्वास जीत लिया, ठीक है, क्लाइंट को लगा कि नहीं, इस पर्सन ने मेरे बारे में बहुत अच्छा एनालिसिस किया है और यही सब चीजें मेरे साथ हो भी रही है ना, तो बस आपने वहां पर भरोसा जीता। अब वो क्लाइंट ना आपके पास एक बार नहीं, हो सकता है वो क्लाइंट आपके पास 4 बार आए, ठीक है, वो 4 बार आएगा, जब जब उसे जरूरत पड़ेगी अपने कोई भी नए काम को स्टार्ट करने के लिए, अपने कोई भी टेंशन को बताने के लिए, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपने विश्वास जीता और आपके पास वो बार बार रीडिंग करवाने आएगा और कहीं ना कहीं आपकी इस तरीके से इनकम भी होगी, ठीक है, क्योंकि फ्री में तो कोई भी नहीं करता, ये एनर्जी एक्सचेंज तो बहुत जरूरी है, हम कोई भी मोडालिटी पढ़ ले, एनर्जी एक्सचेंज तो हम लेते ही लेते हैं, ठीक है, एंड अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितनी लेनी, समझ क्लियर? गए। बस तो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आज की मूनलाइट की जो मेथड्स है, जो आपको फॉलो करनी है, वो मैं आपको ग्रुप में एक बार से वॉइस ओवर शेयर कर दूंगी, प्लीज उसे एक बार से गो थ्रू कर देना और अच्छे से आज का रिचुअल परफॉर्म करें। एंड वन मोर थिंग, अभी रेमेडीज की बारी है ना, तो जिनके ऊपर भी बहुत ज्यादा लोन है, तो आपको क्या करना है, आज के दिन आप ये उपाय करेंगे, अभी 6 बजे के बाद आप मंदिर जाएंगे, ठीक है, आटे का दिया बना लेंगे, एक आटे का दिया आपको बनाना है और उसमें आपको ना चमेली के तेल का दिया जलाना है, ठीक है, चमेली का तेल डालना है और जो हम मौली धागा पहनते हैं ना, उसकी बाती आपको जलानी है, उसमें उसकी बाती लगानी है, जो लाल पीले कलर की हमारी मौली धागा होती है ना, उसकी बाती लगानी है, देखिए ये वाली, ठीक है, इसकी बाती लगाने के बाद आपको क्या करना है, 2 मीठे पान खरीदना है और जाकर बजरंग बली के मंदिर में दीपक जलाने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करना है आपको कि जितनी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी समस्या है, आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आपके ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस चीज का निवारण करिए प्रभु, और मैं आपको ये 2 मीठे पान का भोग लगा रही हूं, इस मीठे पान की तरह ही मेरी जिंदगी भी मिठास से भर जाए, ठीक है, 2 मीठे पान का आपको वहां पर भोग लगा देना, क्लियर है ये चीज, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है और आज के दिन करने से इसका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, इस चीज को ट्राई करके देखिए, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, बहुत कर्जा होते जा रहा है, तो उसको तो डेफिनेटली ये चीज ट्राई करना चाहिए, ठीक है, इवन एक भी लोन है तो इस चीज को कर लीजिए आज के दिन, ठीक है, और अगर आपसे पॉसिबल हो पाए, 2 मीठे पान तो चढ़ाना है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हुई कि आपको इमरती चढ़ाने की इच्छा है, तो आप इमरती भी उनको चढ़ा सकते हैं, ठीक है, इमरती पता है ना सबको क्या होती है, जलेबी जैसी दिखती है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा घुमी हुई रहती है, तो कल से हमारी पेड क्लास शुरू हो जाएगी, लिंक सिर्फ उसी ग्रुप में आएगी, तो जितने भी लोग अभी भी सोच रहे हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, वो फटाफट से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आज के दिन कार्ड को चार्ज करना मत भूलिएगा, अगर नहीं लिए तो आप आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मुझसे फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जितने भी लोग हैं प्लीज वापस से नोट्स बनाएंगे, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी वापस से नोट्स बनाएंगे इस बार, ठीक है, और एक अलग कॉपी बनाएंगे, और हर एक कॉपी में, जैसे मैंने आप लोग को अभी यहाँ पर कार्ड्स के, एक-एक कार्ड्स के बारे में बताया ना, द फूल कार्ड, तो एक पेज में सिर्फ यहाँ पर आपको द फूल कार्ड लिखना है और वो पूरा नोट सिर्फ फूल के बारे में होगा, ठीक है, प्रॉपर कॉपीज इस बार मेंटेन्ड होंगी, मैं सबकी पिक मांगूंगी, मुझे सबकी नोटबुक की पिक देखनी है, कौन किस तरीके से नोट्स बना रहा है, ठीक है, अगर करियर में ग्रो करना है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मुझे, तभी आप लोग पुश करना, मुझे बहुत जरूरी है, ठीक है, मैं पुश करूंगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, क्लियर एवरीवन? चलिए, सो कल ठीक मिलते है, हैं थैंक यू सो मच, और कल इसी से टाइम पर, हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय बाय बाय, जय माता दी, माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। जय जय बजरंग।